अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़ेशान। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 2 माह के बाद अपनी मसरूफियात का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। आज आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ से 1-to-1 मुलाकात के बाद उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अहम और गैर मामूली इजलास की सदारत की, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी और मकबूज़े कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ होने जो तशद्दुद किया जा रहा है कश्मीरियों पर, इस सारे सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात वाज़ह की कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। इजलास के ऐलामे के मुताबिक अस्करी और सियासी क़यादत ने मकबूज़ा कश्मीर की ख़राब सूरतेहाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मासूम और निहत्ते कश्मीरियों पर हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की पुरतशद्दुद और ज़ालिमाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की और अक़वामे मुत्तहिदा से भारतीय बर्बरियत का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया। यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत जो कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं, आखिर उसे कैसे मजबूर किया जाए कि वो इस देरीना तस्वीर को, इस मसले को हल करने पर आमादा हो। क्या आलमी बिरादरी इस हवाले से अपना कोई किरदार अदा कर सकती है और क्या बैक चैनल डिप्लोमेसी की ऑप्शन भी काबिल अमल है? नेशनल सिक्योरिटी इजलास में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म की कामयाबियों पर भी बात की गई और इसे दहशतगर्दों के खिलाफ मुकम्मल कामयाबी तक जारी रखने का फैसला भी किया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि कराची ऑपरेशन को मुकम्मल कामयाबी से पहले ही सूबाई हुकूमत ने तो बंद कर दिया है, तो क्या रेंजर्स को इख्तियारात ना देकर सिंध हुकूमत कराची ऑपरेशन की कामयाबियों को नुकसान नहीं पहुंचा रही और क्या इस हवाले से वज़ीर आज़म को जल्द अज जल्द कोई फैसला करने की ज़रूरत नहीं है? इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अपनी मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है। सियासी सूरत हाल की बात करें तो पनामा लीक्स और ओपन हार्ट सर्जरी के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने के लिए पहली बड़ी खुशखबरी तो ये है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करना है। 1991 के बाद की पहली दफ़ा है कि किसी जमात ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में इतनी वाज़ह अक्सरियत हासिल की है। इसी जीत का शुक्रिया अदा करने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद पहुँचे, जहाँ उन्होंने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाने के साथ साथ कश्मीरी आवाम का शुक्रिया अदा किया और अपोजिशन जमातों को तो आड़े हाथों लिया। याद रहे कि इंतखाबी मुहिम में बिलावल भुट्टो और इमरान खान ने यहाँ बड़े बड़े जलसे किए और लंदन में मुकीम वज़ीर आज़म और नून लीग पर करप्शन, पनामा लीक्स और मसले कश्मीर पॉलिसी के हवाले से सख्त तनकीद की थी। तो क्या ये अपोजिशन की नाकामी है जो वो नून लीग को पनामा कार्ड और मोदी से यारी के इल्ज़ाम के जरिए भी जिक ना पहुँचा सकी और आवाम ने इनके इल्ज़ाम को, तमाम इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया? दूसरी अहम बात, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात हैं। दोनों जमातों के लीडर हुकूमत मुखालिफ तहरीक के नतीजे में एक कंटेनर पर खड़े होने की बातें कर रहे हैं, मगर इस इंतखाबी मार्के में वो मुश्तरका हरीफ के खिलाफ एक साथ खड़े होने में नाकाम रहे। तो क्या कंटेनर पर साथ खड़े होने के दावे कच्चे वादों से भी कुछ ज़्यादा साबित ना होंगे? उधर इमरान खान ने इंतखाबात के नतज को तो तस्लीम कर लिया है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने धांधली का इल्ज़ाम लगाकर इन नतज को मुस्तरद कर दिया है। इन इंतखाबात के नतज का मौजूदा मुल्क सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब कराची में मेरे साथ हैं, इस्लामाबाद से एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान वज़ीर आज़म मुसद्दिक़ मलिक साहब कुछ ही देर में टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। शाहिद लतीफ़ साहब, आपसे शुरू करती हूँ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का आज इजलास हुआ, भारतीय बर्बरियत जो मकबूज़ कश्मीर में जारी है इस पर शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी कही गई। इजलास में फैसला किया गया कि अक़वामे मुत्तहिदा की जो इंसानी हुकूक की कमेटी है इस मसले पर उनसे राबता किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि अक़वामे मुत्तहिदा जो पिछले 70 सालों से इस मसले का हल तलाश नहीं कर सका, इस मसले पर कुछ नहीं कर सका, तो हमारे इजलास में जो फैसले किए गए इनका उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये सिर्फ इजलास में फैसले करने की बात नहीं है। आप फैसले कर लें, पार्लियामेंट में बैठ के जो मर्ज़ी कह लें, जब तक बैन अल-अक़वामी जो तंजीम है अक़वामे मुत्तहिदा, जब तक वो अपने फैसले जो उसने किए और जब तक वो अपनी जो करारदाद पास की गई है उस पर अमल दरामद नहीं कराती, तो इसका तो कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। और जैसे आपने कहा कि 70 साल से तो हम ये नहीं करवा सके, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि क्या हमारी जो पॉलिसीज़ हैं जिसके तहत हम बैन अल-अक़वामी बरादरी और बैन अल-अक़वामी तंजीम पर दबाव डाल सकें, क्या हमने उस तरह की कोई पॉलिसी इख्तियार की? अगर साल में एक दिन आप कश्मीर डे मनाएंगे और कहेंगे जी बस हम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं, तो इससे कश्मीर का मसला तो हल नहीं होगा। और इसके अलावा 3 जगह हम कर चुके हैं,
اس کے باوجود ہم کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کر پائے، تو کیا ہمیں اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے اصل جو کشمیر کا مسئلہ اس کو آگے لے جانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، کیا ہم نے اس پر کبھی غور و فکر کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مسلمان جو امہ ہے وہ آپس میں اکٹھی نہیں ہے، یعنی ہم 58 ملک ہیں اس دنیا میں، 1.6 بلین مسلمان ہیں، اور ہم اتنے بڑے مسئلے پر جو کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح اس سے پہلے جو فلسطین کا مسئلہ تھا، ہم اس پر بھی کوئی ایک اتحاد نہیں پیدا آپس میں کر سکے، تو کیسے یہ مسائل ہم حل کر پائیں گے؟ تو اس لیے، اور پھر اندرون خانہ جو ہمارے معاملات ہیں، ہم بطور احتجاج، شاید عتیق صاحب، ہم تو بطور احتجاج دلی سے اپنا ہائی کمشنر واپس نہیں بلا سکے، ہم بڑا سٹیپ کیا لیں گے؟ جی بالکل، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے تحت دنیا آپ کو سیریسلی سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ مطلب ترکی جو ہے بنگال میں وہاں پہ پھانسیوں کے خلاف، وہاں پہ جو ہے وہاں جو پھانسیوں کے خلاف انہوں نے ایک قدم اٹھایا، تو کیا ہو گیا ان کے ساتھ؟ کم از کم دنیا میں انہوں نے ایک پیغام تو بھیجا، مگر ہم تو کسی طرح کا بھی قدم اٹھانے سے اس حد تک گھبراتے ہیں، نہ جانے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے دباؤ میں رہتے ہیں خاص کر انڈیا کے خلاف، کہ دہشت گردی پچھلے 10 سال انہوں نے جو پاکستان میں کروائی، اور جو پاکستان میں ہمارے پاس ثبوت ہیں، سارے شواہد موجود ہیں، ہم ان کا نام لیتے ہوئے بھی گھبراتے رہے اور بس کہتے رہے کہ ایک ہمسایہ ملک ہے جو دہشت گردی کرواتا ہے، اور کلبھوشن یادیو کا بھی ہمارے ہاں موجود ہونا، کتنی مرتبہ اس کا نام لیا گیا حکومت کے نمائندوں سے یا پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے، ہم وہ بھی نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں، اور خاص کر جو ہم داخلی محاذ پر خود کو اس حد تک ہم نے کمزور کر لیا ہوا ہے کہ آج آپ کے ارد گرد کا کوئی ملک آپ کے ساتھ نہیں کھڑا، آپ کے ہمسائے ملک جو ہیں وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور افغانستان کے معاملات دیکھیے، ایران کے معاملات دیکھیے، پھر جو پاکستان کو امریکہ کی طرف سے لگاتار دھمکیاں ملتی ہیں ان کے حالات دیکھیے، ہم سے آج بھی ڈو مور کرنے کی بات، اتنی قربانیاں ہم دے چکے، تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری پالیسیاں کہاں ہیں، کو ہماری لابنگ کہاں ہے، سفارتکاری کے لیول پر جو ہمیں کام کرنا تھا دنیا میں وہ کہاں ہے، ہم اندرون خانہ کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم آواز اٹھائیں اور دنیا ہماری آواز سنے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح ظفر لالی صاحب، یہ کہہ دینا کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، اندرونی مسئلہ نہیں ہے، کیا صرف اتنا سا پیغام بھارت کے لیے کافی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں کہ ہم نے دیکھیے، ہم لوگ جو گورنمنٹ کے لیے کام کرے ہیں، خاص طور فارن سروس میں، تو یہ تو 40 سال سے ہم یہی کشمیر کا معاملہ سب جگہ جا کے ہم کہتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ لوگ جو ہیں کھڑے رہیں، مگر ہم نے نوٹس کیا ہے کہ رائٹ جو ہوتا ہے از وائٹ، اور مائٹ جو ہے وہ بھی وائٹ ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے زندگی میں یہ 40 سال جو ہم سروس میں گزارے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رائٹ اینڈ مائٹ دونوں جو ہیں وائٹ ہیں، اور جو آدمی مثلا انڈیا اگر وائٹس کو خوش کرے تو پھر اس کے علاوہ ان کو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ تو اس لیے جب آپ کبھی کبھی مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کراچی کیا ہمارا سٹانس ہونا چاہیے، میں نے کہا 70 سال گزر گئے ہیں، مگر ایک نہ ایک دن تو ضرور آئے گا جب رائٹ ول ناٹ بی وائٹ اینڈ مائٹ ول ناٹ بی وائٹ، تو پھر اس وقت ہمارا شاید باری آئے۔ ان دا مین ٹائم، جیسے لطیف صاحب نے کہا ہے، بلڈ اپ یور اسٹرینتھ، بلڈ اپ یور یونٹی، ڈیولپ یور کنٹری، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جنگ فوراً تو جا کے نہیں لڑ سکتے۔ یہی بات ہلالی صاحب، اس مسئلے پر تو آلریڈی 3 جنگیں ہو بھی چکی ہیں، بھارت اس مسئلے پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے جو وہاں قراردادیں پیش کی گئی ہیں ان کے مطابق یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پھر آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے مجھے پوچھا کہ 3 جنگ ہو چکے ہیں، مگر یہ کس قسم کے جنگ تھے؟ مجھے یاد ہے کہ 1965 کے جنگ کے پہلے یا جنگ کے دوران ہمارا ایک ڈیلیگیشن چین گیا تھا، اور ادھر ملا تھا فارن منسٹر آف چائنا، اس وقت مارشل چین یی ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری فوج آپ کے ساتھ ہیں، مگر اب ہم لڑنا چاہیں گے، آپ کے ساتھ ہم لڑیں گے، اور آئی انوائٹ یو
उन्होंने हमारे डेलीगेशन के हेड को कहा आई इनवाइट यू फॉर स्टाफ टॉक्स, इसका मतलब कि मैं आपके अफसर और हमारे अफसर बैठ के प्लान करें कि ये जंग कैसा होगा। और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑफ कोर्स आपको याद है, आपको पता होना चाहिए, इट विल बी अ पीपल्स वॉर, ये वो जंग नहीं होगा जो दो हफ्ते बमबारी करके वापस आ जाए किसके टैंक्स किधर पहुंच गए। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, प्रोग्राम में वापस आते छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद खुश आमदे तर्जुमान वज़ीर आज़म मुसद्दिक मलिक साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसद्दिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मुसद्दिक साहब, क्या वजह है कि ये तासुर आ रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, आपकी हुकूमत की जानिब से, कि मसले कश्मीर पर आप लोग अभी तक कोई ठोस पॉलिसी बना ही नहीं सके, कोई वाज़े पॉलिसी बयान कर ही नहीं सके? ये आपको किसने कहा है? आप मुझे बता सकते हैं कि मसले कश्मीर पर हमारी पॉलिसी है क्या? एहतजाजन अभी आप एहतजाज के तौर पर अभी तक आप लोगों ने किया क्या है? जी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने बुलाया 24 घंटे के अंदर अंदर जो हिंदुस्तानी सफीर हैं पाकिस्तान में, और उनके हाथ में सख्त तरीन मरासला जो डिप्लोमेटिक जबान में पेश किया जा सकता है वो उनको पेश किया। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी मेंबरान स्टेट्स हैं उन सब के सफीर जो हैं उनको बुलाया गया, और हर एक को जो कश्मीर का पाकिस्तानी मौकफ है पेश किया गया, और एहतजाज का मरासला जो है वो उनके सामने पेश किया गया। उसके बाद ओआईसी की जो कश्मीर कॉन्टैक्ट कमेटी है उसके जितने सफीर हैं उनको बुलाया गया और उनको पाकिस्तानी मौकफ पेश किया गया और फिर मरासला दिया गया। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनको कॉन्टैक्ट किया गया और उनको मरासला भेजा गया। उसके बाद ओआईसी जो है उसकी जितनी मेंबर स्टेट्स जो हैं उनको मरासला भेजा गया। उसके बाद पूरे पाकिस्तान की जितनी भी सफारतखाने हैं पूरी दुनिया के अंदर हर एक को कहा गया कि वो अपनी हुकूमतें जहां पर उनके सफारत खाने हैं वहां पर जाएं, उनसे अपॉइंटमेंट्स लें, पाकिस्तानी मौकफ और कश्मीरी मौकफ को पेश करें, प्रोटेस्ट करें भरपूर अंदाज में। उसके बाद ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी है उसके सामने एहतजाज जो है आज फैसला किया गया है और पेश किया जा रहा है। आज पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब जिसके सरबराह थे, और भरपूर अंदाज में, यानी इससे ज्यादा सख्त जबान जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। ठीक है, ठीक है। कश्मीरियों के हक की बात की गई और एहतजाज किया गया है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये पॉलिसी कह रही हैं, आप मुझे ये बताएं, बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फांसी होती है, तुर्की बतौर एहतजाज अपना सफीर वहां से वापस बुला लेता है, क्या हम एहतजाज के तौर पर अपना हाई कमिश्नर वहां से दिल्ली से वापस नहीं बुला सकते थे ताकि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता, सख्त मैसेज जाता कि पाकिस्तान को इस सारी सूरतयाल पर बहुत ज्यादा तशवीश है, प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाते? ये तो आप मुझे ये भी कह सकती हैं कि आपके पास एटम बम है, आपने एटम बम क्यों नहीं फेंका? ये तो बहुत ज्यादा बड़ा क्या एहतजाज हो सकता है? जंगे मसलों का हल नहीं हुआ करती, इस मसले पर आपको भी पता है तीन जंगे ऑलरेडी हो चुकी हैं। और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि एक तरफ हमारा जो रवैया है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दूसरी तरफ हमें मालूम है कि इसका हल जो है वो गुफ्तगू है, और कंपोजिट डायलॉग की पाकिस्तान की जो पॉलिसी है जिसमें हमने कहा है कि कोई गुफ्तगू नहीं होगी जब तक कश्मीर का मामला सेंटर पीस नहीं होगा, उसके ऊपर हम कायम हैं, और हम कोई ऐसा अपना रास्ता बंद नहीं करना चाहते जिसके नतीजे में कश्मीर का मसला हल हो सके। हम आज भी पुरअम तरीके से अपने बुनियादी अकीदों पर कायम रहने के बाद हिंदुस्तान से बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए तैयार, बात करना चाहते हैं। क्या हिंदुस्तान हमसे इस मसले पर बात करना चाहता है? देखिए ये तो हिंदुस्तान की मर्जी है, वो अपने बच्चे मार रहे हैं उनके अपने मुल्क के अंदर, हमें तो ये पता है कि इनजस्टिस जो है वो अनसस्टेनेबल है जो वो कर रहे हैं। अगर वो रूस जैसी ताकतवर मुल्क जो है वो इस तरह की बर्बरियत और इस तरह का इस्तेहसाल का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सका तो कोई भी मुल्क नहीं कर पाएगा, हिंदुस्तान कैसे करेगा? तो ये बातें तो हिंदुस्तान को सोचनी है, इसको पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, तो ये बात तो हिंदुस्तान को सोचनी है कि एक तरफ तो वो शाइनिंग इंडिया का चेहरा दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ वो जिसके अंदर छलनी है कश्मीरियों के चेहरे और आंखों से उनकी बिनाई चली गई है छर्रे मार मार के, तो वो तमाम चेहरे जो हैं वो पूरी दुनिया में उनके सामने आ रहे हैं।
हम तो कश्मीरियों का हक और पाकिस्तानियों का जो मौकफ है उसे पेश करेंगे। ठीक है, इजलास में आप लोगों ने ये फैसला किया कि अक्वामे मुत्तहदा की इंसानी हकूक की कमेटी से मसले कश्मीर पर राबता किया जाएगा। अभी हम इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि अक्वामे मुत्तहदा तो 70 साल में कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं कर सका, अब अक्वामे मुत्तहदा में क्या इस मसले का हल हो सकता है? देखिए हर जगह पे, अच्छा चलिए मैं आपको ये सवाल लौटाता हूँ, आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं, यानी पाकिस्तान को क्या करना चाहिए जो वो नहीं कर रहा, जरा उस पे भी देखिए। पॉलिसी मेकर तो आप है ना, सोचना आप लोगों को, फैसले आप लोगों को, हमारा काम सवाल उठाना है, हम आप लोगों से सवाल कर सकते हैं और उसका जवाब मांगते हैं आप लोगों से, तो आपको जवाब दे रहा हूँ ना। जी जी और जवाब ये है कि हर जगह के ऊपर पाकिस्तान कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद करेगा और करता चला जाएगा, और पूरी दुनिया को ये बावर करवाया जाएगा कि ये जिस तरह का जुल्म और इस्तेहसाल इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया जो है वो अपने आप रवाबित जो हैं उन पर नजरसानी करे। हिंदुस्तान जो इतनी ज्यादा इक्तसादी तरक्की के ऊपर अपनी नजरें जमाए बैठा है, हम ह्यूमन राइट्स का इशू लेके अक्वामे मुत्तहदा में भी जाएंगे और उन तमाम कंपनीज के साथ, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन के साथ जो हिंदुस्तान के साथ तजारत कर रहे हैं उनके पास भी जाएंगे, और कानूनी तौर पर भी, इकोनॉमिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी और मॉरली भी एक भरपूर कैंपेन जो है वो लॉन्च करेंगे। हमारे मुल्क के जितने सफीर हैं इस वक्त वो तमाम इस कैंपेन को लेकर आगे चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और हम तब तक नहीं टलेंगे जब तक कश्मीरियों को अक्वामे मुत्तहदा की और सिक्योरिटी काउंसिल की जो अप्रूव्ड रेजोल्यूशन हैं उनके मुताबिक से उनको हक के खुद इरादियत। ठीक है, जफर हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हिलाली साहब जी, मैं इनसे अगर इजाजत है मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि दो चीज हम फौरन कर सकते हैं। एक तो यह है कि जी के ओआईसी में कोशिश तो करें एक रेजोल्यूशन पास करें कंडेमिंग इंडिया, और दूसरी बात यह है कि ओआईसी को जो इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है उसको हम विड्रॉ करें और कहें कि इस किस्म की बरियत के बाद हम नहीं चाहते कि वो उधर बैठे रहे। ये मेरे ख्याल में आपकी दोनों तजावीज जो हैं वो इस वक्त जो कैंपेन चल रही है, और आपको मैंने पहले भी बताया कि ओआईसी के जो सफीर हैं उनको यहाँ बुलाया गया है और पाकिस्तान से मुरासले जो हैं उनके जो यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास भेजे गए हैं, और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल को मुरासले भेजे गए हैं, और हमारे सुफरा जो हैं मुख्तलिफ सफीर जो हैं वो उनसे कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, रवाबित के अंदर हैं। और आपकी ये जो बातें हैं ये ओआईसी ऑब्वियसली हमारा इंशाल्लाह हमारे मुस्लिम ममालिक हैं और हमारा इन्फ्लुएंस भी है वहाँ पे, उनसे बड़े गहरे ताल्लुकात भी हैं, ये जो आपने बातें की हम जरूर उठाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब आपका। शाहिद लतीफ साहब, हुकूमत जो एक्शन बता रहे हैं, ओआईसी में भी गए ये लोग, सफीरों से भी मजम्मत कर रहे हैं, भारत से शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं, क्या ये एक्शन जस्टिफाई करते हैं? देखिए, जो आपने असल नुक्ता उठाया उस पर तो उनका जवाब बड़ा अजीब और गरीब था, जब आपने कहा कि जी अगर तुर्की सफीर अपना वापस बुला सकता है तो हम क्यों नहीं बुलाते जी? आप पहले ये तो बताएं कि तुर्की के साथ क्या हो गया, तुर्की को दुनिया ने काट लिया ये काम करने पे, या हिंदुस्तान के या वो बांग्लादेश के साथ उसके कोई मरासम इस तरह इस हद तक ख़राब हो गए कि कोई जंग का उनको ख़तरा उन्होंने मूल ले लिया, और जवाब ये आया कि जी हमारे पास एटम बम है, क्या आप ये कहेंगे एटम बम चला दें? यानी ये क्या जवाब है? और हुकूमत के एक बहुत जिम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा होने के नाते अगर इस तरह का जवाब आए तो फिर क्या बहस करें आप? मैं ये समझता हूं कि ये सारा बातों के जरिए शायद वो ये लोग भूल जाते हैं, वो जवाब हमसे जवाब मांगते हुए ये भूल जाते हैं कि लोगों ने वोट उनको दिए, लोगों ने वोट हमें नहीं दिए, पॉलिसीज बनाना उनका काम है, हमारा काम सवाल करना है। आई एग्री, और उसका एक ऐसा जवाब मस्बत आना चाहिए जिसके तहत आप और सुनने वाले सारे जो हैं वो मुतमइन हो जाएं। ये क्या जवाब दिए उन्होंने? उन्होंने एक पूरी लिस्ट गिन दी कि मरासले भेजे, वो एक मरासला बना होगा, उसकी फोटो कापियां छापी गई और वो मरासले एक टिक मार्क लिस्ट बनी होगी, उस लिस्ट के ऊपर मरासले भेज दें। भाई मरासलों से बात नहीं बना करती ये, मरासलों से बात, ये अगर मसला हल होना होता तो 70 साल में हमने तो बहुत कुछ किया, जंगे तक लड़ ली। ये मसला, इसकी नौइयत को समझें, इसकी संजीदगी को समझें, उधर खून जो है जिस तरह बहाया जा रहा है, जो जुल्म और सितम की एक दास्तान है वो आज देखी नहीं जाती, मासूम बच्चों को, औरतों को जो है हमारी बहनों को, माओं को लेके, और जिस तरह उनका खून और जो बर्बरियत का मुजाहरा है, और बच्चों को जिस तरह अंधा किया जा रहा है, ये सारे ट्रिक्स इन्होंने इसराइल
سے سیکھے ہیں, وہیں سے ان کو پیلٹ گنز ملی ہیں, اور انہوں نے یہ طریقہ کار عرصے سے اختیار کر رکھا ہے, اور یہ مسلم امہ کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی. یہ ہمارا کلیکٹیو فیلئر ہے, ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر ایران اور سعودی عرب کے دو بلاک بن گئے, یہ ہمیں مزید کمزور کرنے کا ایک جو پلان اور منصوبہ کیا گیا اس کے تحت ہم اپنے مسائل دنیا میں نہیں اٹھا پا رہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. مگر کیا پارلیمنٹ میں ہماری حکومت کے پاس یہ ٹائم ہے کہ وہاں سے وہاں بیٹھ کر کوئی پالیسی, کوئی منصوبہ بندی کی جائے, اور سب سے پہلے یہ جو ہماری آپس میں توڑ پھوڑ ہے اس کو ختم کیا جائے, تاکہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے جب آواز اٹھائیں تو ہماری آواز سنی جائے. اگر نیٹو کی فورسز بن سکتی ہیں تو مسلم امہ کی بھی ایک فورس نہیں بن سکتی؟ کیا ہم دنیا کو یہ تھریٹن نہیں کر سکتے؟ کیا ہم میں کسی چیز کی کمی ہے؟ مگر ہم یہ کام نہیں کر رہے, تو جو اصل کارکردگی ہے اس میں دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل, باتوں سے سب کچھ ہے. اور انفارچونیٹلی مجھے اپنا جو نتائج ہیں میری چیزوں کے, وہی میری کارکردگی کا پیمانہ ہے. اگر نتائج نہیں ہیں تو آئی ایم سوری, آپ 20 جگہوں پہ بھی مراسلے بھیج دیں, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. مجھے بریک لینے ناظرین, پروگرام چھوٹے سے بریک کا, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے. بریک کے بعد خوش آمدید. آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی دو تہائی اکثریت سے کامیابی. ظفری لالی صاحب, پاکستان میں کیسی منفرد جمہوریت ہے جو سیاسی جماعت ایک بار عام انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو پھر اگلے عام انتخابات تک کسی بھی قسم کے انتخابات ہوں وہی جماعت جو ہے وہ بھاری رہتی ہے, وہی جماعت حاوی ہوتی ہے, وہی جماعت جیتتی ہے, چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں, گلگت بلتستان کے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوں, کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوں, وہی پارٹی رول کرتی ہے. تو ایسے میں پھر دوسری پارٹیوں کے دھاندلی کے الزامات ان کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, مگر میرے خیال میں آپ کا سوال کے پہلے تھوڑا سا ایگزامن کرتے ہیں یہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو نتیجہ نکلا ہے. اور بائی دی وے, آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ایسی اکثریت کبھی نہیں ہوئی ہے. 1996 میں پی 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 کی 90% تھی, اس وقت 80% ہے. اب دیکھیے, لیٹس سی دا ریزن. پہلے تو بات یہ ہے کہ پی 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 ڈیوائڈیڈ تھا, عورتیں اور ینگ پیپل بڑے تعداد میں وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے. دوسری بات, بلاول صاحب تو بڑے فلوپ ہوئے ہیں جی, معاف کریے, وہ یہ کہنا پڑے گا ہی ہیز ناٹ سکسیڈیڈ, وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اور بلاول صاحب کو ایک دفعہ پہلے ہم نے دیکھا تھا بدین میں ذوالفقار مرزا کے خلاف, ادھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذوالفقار مرزا وہ لوکل باڈی الیکشن جیت لیا, حالانکہ بلاول صاحب ادھر گئے تھے. تو بلاول میں وہ لگتا ایسا ہے کہ وہ اس قسم کا کرزما نہیں ہے. تیسری بات, پی ٹی آئی کا جو اسٹرانگ پلیئر تھا بیرسٹر سلطان محمود, وہ تو پکا لوٹا جی, ان سے زیادہ کوئی لوٹوکریسی کا کوئی سپورٹر ہو ہی نہیں سکے. وہ تینوں پارٹیز میں ایک نہ ایک وقت شامل ہو گئے. اور ایک اندر فیکٹر از آف کورس انکمبنسی, اس کے معنی جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جو گورنمنٹ سینٹر میں ہوتا ہے تو اس کے گورنمنٹ کی وہ جو حمایت پارٹی ہو, ایکچولی ناؤ ان کشمیر وہ خود اپنی پارٹی وہ جیتتی ہے. مگر ایک اور بات تھی جو میں نے اس وقت اور کل ہم جب ڈسکس کر رہے تھے میں نے نہیں کیا تھا, اور اس وقت ہمارے دوست کلاسرا صاحب نے, ایک راجہ سکندر صاحب ہیں جو چیف سیکرٹری. دیکھیے, راجہ سکندر صاحب ایک بڑے اچھی زبردست ایک قسم کے چیف سیکرٹری ہیں. گلگت بلتستان میں جب الیکشنز ہونے والے تھے تو ان کو ادھر پوسٹ کیا گیا تھا, اور ادھر کا نتیجہ یہ تھا کہ پی ایم ایل این نے ہر سیٹ جیتا ایکسیپٹ فور ون. پورے سیٹس گلگت بلتستان میں پی ایم ایل این کے پاس آ گئے ایکسیپٹ فور ون. اور ادھر بھی جب ہوا ہے ان کو ادھر بھی چیف سیکرٹری لائے, تو ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں 31 out of 41 جیت گئے. اصل بات کیا ہے, دیکھیے الیکشن کمیشن جو یہ چلاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس ایک مہینہ 6 ہفتے کے لیے اختیار ہوتا ہے, پاور ہوتا ہے لوگوں کو پوسٹ کرنے. چیف سیکرٹری کو
तो पूरा साल होता है, तो लोग सोचते हैं कि यार अगर हम ये चीफ सेक्रेटरी को खुश मसाल के तौर पे ना करें तो बाद में वो हमें आके पकड़ सकता है। तो ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं ये कौन होते हैं? मोस्टली ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं जो उस प्रोविंस के लोग होते हैं, और वो चीफ सेक्रेटरी के तहत होते हैं, पोस्टिंग्स प्रमोशंस एक्सेट्रा वो आता है। मैं नहीं कहता, मैं उनको एक्यूज नहीं कर रहा, इसलिए मुझे पता नहीं है, मगर ये एक बड़ा जबरदस्त कोइंसिडेंस है कि जिधर वो जाते हैं पीएमएलएन जो है 80% और 90% जीत जाता है। मगर इससे भी इंपॉर्टेंट बात शाजिया ये है कि क्यों लोकल बॉडीज इलेक्शंस नहीं करते, क्यों पावर को और पैसे को आप नीचे लेवल तक नहीं जाने देते? इसलिए कि आप यही पावर और यही पैसे इस्तेमाल करते हैं आपको इलेक्शंस जीतने के लिए। देखिए कश्मीर में लोकल बॉडीज नहीं, पंजाब में नहीं, सिंध में नहीं है, और जब तक ये लोकल बॉडीज नहीं आएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं ये पार्टीज और ये डिनेस्टीज कभी पाकिस्तान में खत्म नहीं होंगी। शाहिद लतीफ साहब, पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर में जो सारी कैंपेन की है पनामा लीक्स पर की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर की कैंपेन में सारी बात नवाज शरीफ साहब को ये कह के गी के मोदी का यार कहकर, तो आप समझते हैं कि अपोजिशन ही नाकाम होगी ऐसे मसाइल पर, ऐसे अहम मामलात पर लोगों को अपनी तरफ मतवजह करने में, और लोगों ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया? देखें, बात यह है कि इन दोनों पार्टीज़ को अपनी प्लानिंग में ये शामिल करना चाहिए था कि वो कश्मीर के मौजू पे बात करें, और ख़ासकर जब मकबूज़ा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, काश उसके ऊपर बात की होती, उसके ऊपर कोई पॉलिसी दी होती और हुकूमत पर तनकीद की होती और बताया जाता कि इनका नैरेटिव क्या है और क्यों हम उसमें बार बार फेल हो रहे हैं, तो फिर लोगों की हमदर्दियाँ इनकी तरफ आती। अब इन हालात में जबकि सेंटर में वैसे गवर्नमेंट पाकिस्तान पीएमएलएन की है, और इसके बिल्कुल आपने सही रेफरेंस दिया कि अगर इनके नतायज आप बल्दियाती इंतखाबात में देख लें, गिलगत बल्तिस्तान में देख लें, तो वो बिल्कुल जो हुकूमत है उसी के लिए वो पॉजिटिव साबित हुए। इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उन्होंने देखा, आपने देखा कि वो इलेक्शन जीत गए, तो ये तो एक पैटर्न है। अगर इस पैटर्न को ब्रेक करना है तो फिर कोई ना कोई ऐसी चीज तो करना होगी जिसके तहत लोग जो हैं वो आपकी तरफ मुतवज्जे हों। मगर ये तो दोनों पार्टी के जो लीडरान थे जो वहां जाकर बोले, अगर आप उस वहां जाके सिर्फ हुकूमत को आपने टारगेट किया हुआ है, उन लोगों के कोई आइंदा फ्यूचर की बात नहीं की, मकबूजा कश्मीर के बारे में बात नहीं की, तो वो लोग आपकी तरफ मुतवज्जे क्यों होंगे? वो तो इन सारी चीजों को रिजेक्ट कर देंगे। अगर पनामा लीक्स का मसला है पाकिस्तान का मसला है, मगर जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनके मसाइल तो वो हैं जो उनको फेस कर रहे हैं, उनके मसाइल वो हैं जो आज़ाद कश्मीर की के फ्यूचर की बात करें, मकबूजा कश्मीर के फ्यूचर की बात करें। तो मैं इस ऑब्जर्वेशन से 100% एग्री करता हूं कि ये जो इनकी कैंपेन थी वो उस नुक्ते पर नहीं थी जिसके तहत लोग इनको सुनते, लिहाजा जो बातें वहां की गई लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, और उसके साथ ही आपने देखा कि नतायज वही आए जो सेंटर की हुकूमत है, जैसे वो कहते हैं कि जो लेकिन बात ये शायद थी सब, कल जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, कल जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पर, और हम अपने नुमाइंदों से, अपने एंकर पर्सन से जब बात कर रहे थे, तो लोग वहाँ ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर बहुत अच्छे काम भी किए, तालीमी इदारे भी बनवाए, लोगों के लिए बहुत काम किए, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमने कहा कि सबसे बड़ी वजह वही है कि जो सेंटर में जिस पार्टी की हुकूमत है वो वहाँ पे हर चीज़ को कंट्रोल करता है, और इसमें बिल्कुल इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए। आज भी लोगों की अगर आप बातचीत सुनते, जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए थे तो वहाँ उनसे वादे किए गए ना कि हम आपको चांद तक पहुँचा देंगे और हम सारी दुनिया को फतह करके कश्मीर में आपके 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 सामने ले आएंगे, हाईवेज बनेंगे, मोटरवेज बनेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनेंगी, न जाने क्या 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 गिलगत बल्तिस्तान में जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए? तो ये तो हमारा एक तरीकाकार है कि जब लोगों को मतवज्जे करना हो तो उनको आप बड़ी बड़ी कहानियां सुनाकर अपनी तरफ मतवज्जे कर लें और ऐसे बड़े बड़े मंसूबे उनके सामने ले आएं। फिर किसने पूछा पाकिस्तान का? आप इन सियासी पार्टियों को आप सुनिए, वो यही कहते हैं ना कि जी हमने इलेक्शन करवा दिया, ये जमहूरियत है। अब 5 साल बाद आप हमसे बात कीजिएगा,
कि जी हमने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी बेस पर या आप हमें दोबारा इलेक्ट करें या आप ना करें। और अगर नहीं भी कोई करता तो 5 साल में इतनी लूट फूट वो कर चुके होते हैं कि वो खुश होते हैं, क्योंकि असल मकसद ही यही है कि अपनी जेबें भरो और उसके बाद अगर सेकंड टाइम कोई करता है। आप अभी तक तो सेकंड टाइम वाले मामले नहीं हुए, इस वक्त तो बारियां चल रही हैं, आज मेरी बारी कल तुम्हारी बारी, मिसाल के जमहूरियत का मामला देख लीजिए। तो लिहाजा वो असल में खुश हैं कि बस जी 5 साल भी अगर मिले और इसमें तेजी से अपनी जेबें भरे, अपनी जो है लूट फूट आप कर लें ताकि अगले ना भी मिलें तो आप खुश हों और फिर 5 साल के लिए एक तरफ हो जाएं, लोग 5 साल दूसरे को ट्राई करेंगे, फिर मायूसी होगी, फिर इनको दोबारा ले आएंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न चल रहा है। हिलाली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं दो चीजें कहना चाहता हूं जी। पहली चीज ये है कि ये फेडरल कंट्रोल को निकालने के लिए तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन के पहले एक गवर्नमेंट जो है, जो भी है फेडरल गवर्नमेंट, वो अनाउंस करें कि भाई हम इतना पैसा देंगे और जो भी हुआ इलेक्शन का रिजल्ट, इतने पैसे आपके पास आएंगे फ्रॉम द फेडरेशन। इससे यह होगा कि ऐसा नहीं महसूस होगा कि अगर उनकी पार्टी हार जाए तो कम पैसे आपको मिलेंगे। एक तो दिस कमिटमेंट शुड बी मेड प्रायर टू द इलेक्शन। दूसरी बात है, देखिए इधर भी जी न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होके अकाउंटेबिलिटी तो ऐसा करें ना इलेक्शन के पहले। मेरा अपना ख्याल है ये कहना कि जो जैसे जो लोग 2 करोड़ का प्रोजेक्ट 90 करोड़ के प्रोजेक्ट 2 करोड़ का प्रोजेक्ट 90 करोड़ में करते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं, वही आदमी दे कंडक्टिंग द इलेक्शंस, हम सेंटर में ये नहीं अलाउ करते। तो चलिए आजाद कश्मीर में भी एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन डालें 3 महीने के लिए और उसके बाद वो कंडक्ट करें। और दूसरी चीज आई रीइटरेट कि पैसे जो देने होते हैं फ्रॉम द फेडरेशन टू द प्रोविंस वो अनाउंस कर दें पहले, फिर वो चेंज नहीं कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ तो करें, इसलिए कि जी 70 साल से यही हो रहा है, आई मीन सिंस 1970 यही हो रहा है कि जो फेडरेशन में है वो यहाँ पर। उसके पहले क्या होता था, एक डेप्टी सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स डिवीजन का पूरा कश्मीर चलाता है। ठीक है, गॉट आवर एक्ट टुगेदर, ये हो ही नहीं। ठीक है, मुझे ब्रेक पर वापस आते हैं, छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद खुश आमद शाहिद लतीफ साहब। सेंटर में मुस्लिम लीग नून, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून छाई हुई है, गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून छाई हुई है, क्या मुस्लिम लीग नून के ये तमाम मार्के 2018 के इंतखाबात के लिए कारगर साबित होंगे? देखें जी, इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक तो बिल्कुल उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है कि 2018 के इंतखाब भी वो जीतेंगे। और जब तक ये 2018 के इंतखाब से पहले आप वो बेसिक चीज़ें नहीं करते जिसके तहत आप रिफॉर्म्स करें, खासकर इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिसका जिक्र हम अरसा दराज से सुन रहे हैं, मगर आज तक वो रिफॉर्म्स नहीं हुई, अभी तक तो नहीं होने दी। और मुझे नहीं लगता कि अगर यही तरीक़ाकार रहा तो जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है वो इन रिफॉर्म्स की तरफ जाएगी। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन जब पिछली मरतबा भी बना था तो बहुत सारी आवाज़ें उठी थी और कहा गया था कि जो इलेक्शन कमीशन में आप मेंबर्स लगा रहे हैं वो तो ये दो पार्टियां अपनी मर्जी के इन्होंने मेंबर्स लगा दिए, पीपल्स पार्टी और PMLN ने, और इनमें कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो सियासी बैकग्राउंड वाले थे, जबकि इसकी जो है बिल्कुल इजाज़त नहीं है, आपके आइन जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो अगर इस मरतबा भी आपने कोई इस तरह की रिफॉर्म्स न की और उसके तहत फिर से जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी मर्जी का बना लिया गया तो फिर नतायज मुख्तलिफ तो नहीं हो सकते। पिछले नतायज आपको याद हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा, बाद में जब ये उन पर उंगलियां उठाई गईं तो उन्होंने कहा जी कि हम तो इफेक्टिव नहीं थे। जहाँ तक आरओज का ताल्लुक है, आपके पिछले चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको डायरेक्ट ब्रीफिंग दिया करते थे और आरओज जो हैं उनको रिमोट कंट्रोल वहाँ से किया जाता था, जबकि इलेक्शन कमीशन का काम है आरओज को देखना, उनको हिदायत देनी और जो इलेक्शन है उसकी पूरी कार्रवाई जो है उसको खुद उन्होंने मॉनिटर करना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह आपको याद होगा कि जो उम्मीदवार थे, 25,000 उम्मीदवार जिनकी दरख्वास्तें गई इलेक्शन कमीशन को, वो सारे के सारे सादिक और अमीन बनकर उस फिल्टर में से गुजर के बाहर आ गए।
یعنی کسی کو آج تک ہم نہیں اس پوری چھلنی سے گزرنے کے بعد دیکھ سکے کہ جی اس میں کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں اور وہ چھڑائے ہوئے ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس تک نہیں دیتے. آج آپ کی پارلیمنٹ میں بے شمار لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کا این ٹی این نہیں ہے, نیشنل ٹیکس نمبر تک نہیں ہے. تو اگر اس طرح کے الیکشن اور پھر پیسہ کس حد تک لگا وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے, تو اگر یہی پیٹرن رہا تو پھر یہی جیتیں گے. اس میں تو مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود. السلام علیکم قاہر صاحب. سلام قاہر صاحب. تحریک انصاف کے چیئرمین خان صاحب نتائج کو, آزاد کشمیر میں جو الیکشنز ہوئے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نتائج کو مسترد کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیے, ہم نے الیکشن کمپین کے دوران بھی یہ بات واضح طور پہ کہی تھی کہ پری پول بہت بڑے لیول پہ گورنمنٹ نے تحقیق کی ہے وہاں پہ, اور ان کے وزراء نے بہت جا کے فنڈز بانٹے ہیں, کامپڑے کرائے ہیں جو الیکشن کے اوپر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوئے ہیں. تو یہ باتیں اپنی جگہ. مزید ہم اپنے کینڈیڈیٹس سے انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے ڈاکومنٹری ایویڈینس ساری دے کے آئیں. ہم جلد ایک میٹنگ رکھیں گے جس میں ہم سارا ریکارڈ اکٹھا کریں گے, اینڈ دین وی ول پٹ اٹ ٹو دی نیشن. قاہر صاحب, اب تو یہ تاثر مضبوط ہو چکا ہے جو سینٹر میں رول کرتا ہے, جو وفاق میں حکومت بناتا ہے وہی آزاد کشمیر میں بھی حکومت بناتا ہے, ایسا آپ کے دور میں بھی ہوا؟ یہ بالکل درست بات ہے جی. میں تو اس بات کو تجویز دے چکا ہوں, آزاد کشمیر کی گورنمنٹ, کیونکہ منسٹری آف کشمیر افیئرز پہ بہت زیادہ انفلوئنس رکھتی ہے, کشمیر کونسل ہو یا گلگت بلتستان کونسل, یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو مینج کرتی ہے, اور بڑے لیول پہ ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں جو بالکل غیر قانونی ہے, غیر طریقہ کار ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. کاؤنسل کا رول صرف لیجسلیٹو اور مخصوص کاموں تک رہنا چاہیے, ڈیولپمنٹ میں نہیں. ڈیولپمنٹ یا تو کشمیر اور گلگت بلتستان کی اپنی حکومتوں کا مینڈیٹ ہے, یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کے ذریعے وہاں پروجیکٹ کر سکتی ہے. ایک تو یہ ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہیں وہ پاکستان کے ساتھ, یا کشمیر کے جو الیکشن ہیں وہ پاکستان کے الیکشن کے ساتھ ہونے چاہیے, کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کا وہاں پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہی الٹیمیٹلی اپنی وہاں پہ جیت بنا لیتا ہے, تو یہ زیادہ بہتر, ان کا اپنا قانون ہے جی, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہتر طریقہ ہوگا. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ ان کی جو سیٹیں پاکستان کے اندر ہیں جو تھوڑے تھوڑے ووٹس پہ مشتمل ہیں, بڑے بڑے حلقے ہیں وہ بھی بڑے ناجائز ہیں. یہاں پہ بھی پروونشل گورنمنٹیں بڑا افیکٹ کرتی ہیں, سندھ کی بھی, یہاں کے بھی, مثلاً 10 سیٹیں پنجاب میں ہیں, تو یہ زیادہ سیٹیں اگر کوئی ایک جماعت یہاں پنجاب میں بیٹھی ہے تو وہی جیت لیتی ہے. صحیح. ایسے الیکشن بہرحال بہت سارے سوال لے کے آتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے, میاں صاحب پاناما پیپر کے اوپر جو ان کی پوزیشن بنی ہوئی ہے ان کو الٹیمیٹلی اس کا حساب دینا ہوگا. کسی نے ان کے مینڈیٹ کو چیلنج نہیں کیا, ہم ان کی پاپولیرٹی کو چیلنج نہیں کر رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لیگلٹی سامنے آئی ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس کا کوئی تعلق نہ تو الیکشن کے اندر جیت سے ہے, نہ سمٹ بنانے سے ہے. تو کیا 7 اگست سے جو پی ٹی آئی اپنی تحریک شروع کری ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے؟ بالکل ساتھ ہے, ساری اپوزیشن اکٹھی ہے. خوشی شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ سولو فلائٹ لے رہے ہیں, اتحاد کو نقصان پہنچ رہا ہے, خان صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے طور پہ اپنی جماعت کا تحریک چلانے کا اعلان کیا, بہتر ہوتا وہ باقی جماعتوں کے ساتھ چلتے, لیکن اپوزیشن کی ایک جماعت جماعت اسلامی آلریڈی چلا رہی ہے, انہوں نے اپنی کمپین شروع کی ہوئی ہے, تو ہم اس کو اپوزیشن کے جائنٹ موقف کی تردید نہیں کہہ رہے. وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, لیجسلیشن ہم جائنٹلی موو کریں گے, اور جس ایشو پہ اگر ہماری لیجسلیشن کو گورنمنٹ نے بلاک کیا تو پھر ہم عوامی رابطے کے لیے جائنٹ موو کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ قاہر صاحب آپ کا. ہلال صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میں نے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ بہت پیسے تقسیم ہوتے ہیں. یہ پیسے تقسیم اس لیے ہوتے ہیں کہ ووٹس ملتے ہیں, اور یہ 1996 میں بھی ہوا تھا, ناہید خان بی بی ادھر پہنچ گئی تھی اور بہت سارے پیسے لے کے, اور آئی جی جو اس وقت تھے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا. مگر یہ پی 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 کا قصور نہیں ہے, یہ سب پارٹیز کا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ یار آپ لوگ بار بار ایک پارٹی اور ایک پارٹی کے سربراہ کو ووٹ دیتے ہیں جو عدالت میں نہیں آنا چاہتا,
प्रूव करने के लिए कि उसके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो सही है कि गलत है। इसका मतलब क्या है, माने कि जो भी चार्जेस मेरे खिलाफ हो, जो भी हो, करप्शन के कुछ चीज भी हो, मैं कितना लूटा हूं, क्या कर रहा हूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तानी को ये बात कब फर्क पड़ेगा भाई। सही, देखिए ये कश्मीर के इलेक्शन के, कभी आप यकीन कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ इस किस्म के चार्जेस हैं वो 80% वोट ले जाए, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा मतलब सोचिए कि करप्शन इज नॉट एन इश्यू। बिल्कुल, रॉब, चोरी करो, लूटो, ये एक अजीब सी कौम है, मैं समझ नहीं सकता हूं। इनके पैसे आप लूट रहे हैं, इनके पैसे आप खा रहे हैं और आपके पल खुद कुछ नहीं होता है। जी सही, बिल्कुल सही। शायद लतीफ साहब आखिरी सवाल, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने जा रही हैं दोनों बड़ी जमातें, मुस्लिम लीग नून को हुकूमत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? जी ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है, बहुत मौसर हो सकता है, बशर्ते कि ये दोनों इकट्ठे हों। बिल्कुल, इस वक्त बड़े सीरियस सवालात हैं। मैंने कायरा साहब को सुना, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल इकट्ठे हैं, तो फिर इस तरह के बयानात, और ये हम आज से नहीं बड़े दिनों से ये बयानात सुन रहे हैं, बिल्कुल एतजाज अहसन साहब जो है उन्होंने तो क्लियरली कहा था कि हम एक कंटेनर पे या दो पे साथ साथ होंगे, और जो खुर्शीद शाह साहब हैं वो शुरू से कह रहे हैं कि नहीं जी हम ये जो प्रोटेस्ट हैं इसमें हम हिस्सा लेने के बारे में सोचेंगे और अभी हमने फैसला नहीं किया। तो जहाँ इस हद तक जो है आपस में इत्तफाक आपका ना हो पाए, और फिर ये दो बड़ी पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत है, और मैं समझता हूं कि इसका पीपल्स पार्टी को बड़ा नुकसान होगा अगर उन्होंने इस इत्तफाक में इत्तेहाद में हिस्सा ना लिया और बैकआउट कर गए, क्योंकि उनकी तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में दोबारा वो अपनी जगह बनाए, और अगर अवाम ने उनको इसमें इकट्ठा होते ना देखा तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, और अगर अल्टीमेटली फायदा, मैं समझता हूँ की तहरीक ऑपोजिशन का अगर इत्तेहाद ना हो सका तो इसका अल्टीमेटली फायदा हुकूमत को ही होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब आपका, जलाली साहब में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाइट एडिशन से शाजिया ज़ीशान को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।